Hello everyone. Well, the market still seems to be in a corrective phase within an uptrend. But इस corrective phase में आज हम ऐसे तीन stocks के बारे में बात करेंगे जिन्होंने technically एक breakout दिया है. So it could be a good contra trades over here. सबसे पहला stock जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है UPL. कुछ दिनों पहले ये stock ने अपने 200 DMA के आसपास एक अच्छा support base बनाया और अब ये stock ने consolidation phase का breakout दिया है. So this seems that you know, this stock could give good returns in the short term. So short term traders can look to buy this stock around 760 with a stop loss below 740 for a potential target around 800 rupees in near term. Second pick जो है हमारी जो technically जिसने एक breakout दिया है वो है ICICI Prudential Life Insurance. आप देखेंगे तो मीडियम टर्म चार्ट्स काफी अट्रैक्टिव है. पिछले कुछ दिनों में अपना हाई से ये स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन बताया है. बट दिस करेक्शन जस्ट सीम्स टू बी अ करेक्टिव फेज विद इन एन अप ट्रेंड. और अब ये स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स पे. आज की ट्रेडिंग सेशन में मॉर्निंग के 1-1.5 आवर में ये स्टॉक में वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं. सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट अ गुड बाइंग इंटरेस्ट कैन बी सीन इन ICICI Prudential Life Insurance. तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैन ऑल्सो लुक टू टेक अ पंट ऑन ICICI Prudential Life, बाय अराउंड 660 विच इज अ ब्रेकआउट लेवल. Keep a stop loss below 635 for a potential target around 700 to 710. And our last pick is one small cap bank, which is Karnataka Bank. Yes, interestingly, ये stock ने अपने weekly charts पे एक cup and handle pattern का breakout दिया है. और technical analysis में cup and handle patterns के breakouts अगर अच्छे volumes के साथ होते हैं, तो ऐसे stocks में काफी fast run up हो सकता है. Volumes आप देखेंगे weekly charts पे काफी अच्छे हुए ये week में. So I think this stock could give some good returns in short to medium term. Because it's a weekly charts, so one should have a time frame of at least next couple of months so that they can get good returns in this. So the breakout is around 75 to 76. So look to buy this stock in this range of 75 to 76. Currently it is trading around that price only. Keep a stop loss below 70 rupees for a potential target of 90 rupees in next couple of months. So guys, UPL, ICICI Pru Life and Karnataka Bank, ये तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट सेटअप्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और ट्रेडर्स को इन्हें रडार पर रखना चाहिए. बट येस, आई वुड ऑल्सो से दैट नो वन थिंग ट्रेडर शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आप ब्रेकआउट्स पे कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो डू कीप अ ट्रैक ऑन द चार्ट्स. इनकेस अगर ब्रेकआउट्स फेल होते हैं तो डोंट बिकम अ इन्वेस्टर फ्रॉम अ ट्रेडर, राइट? सो कीप योर स्टॉप लॉसेस. जो स्टॉप लॉसेस हमने दिए हैं वो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो दिस ब्रेकआउट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू लाइक योर अवर वीडियो. इन केस इफ यू लाइक इट देन डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर अवर चैनल. थैंक यू.